चलिए इसी के बीच रुक करते एक और बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्रों से संवाद करेंगे, 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों से परेशानियों को सुनेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, वर्चुअल माध्यम से छात्रों से होगी चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छात्रों से संवाद करेंगे, वर्चुअल संवाद में शामिल होंगे 10वीं और 12वीं के छात्र, शैक्षिक गतिविधियों और समस्याओं पर बात होगी। चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद। बिल्कुल एकदम, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ संवाद करेंगे और इन संवाद के जरिए वो छात्रों से उनकी शैक्षिक गतिविधियों और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी लेंगे। दरअसल कोविड महामारी के कारण जिस तरीके से स्कूल साल भर से बंद हैं और छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लास वगैरह जो चली वही ऑनलाइन क्लासेस चली और इसके बाद 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी कैंसिल हो गए, इसको लेकर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान इन छात्रों से बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान उनकी परेशानियों के बारे में जानेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को या उनकी जो सवाल हैं समस्याओं से जुड़े उन सवालों के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। जब 10वीं और 12वीं की CBSE बोर्ड की परीक्षा जब कैंसिल हुई थी उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस तरीके से छात्रों से अचानक चर्चा की थी और उनके पेरेंट्स से भी चर्चा की थी और उसी तरह पर जब मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा जब कैंसिल हुई है तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान उन छात्रों से 10वीं और 12वीं के छात्रों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उनको उनकी क्या समस्याएं हैं या उनको कैसा लग रहा है 10वीं और 12वीं पहली बार बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही तो इस सबको लेकर बातचीत हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया कृष्णा द्विवेदी जी पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छात्रों से संवाद करेंगे, 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छात्रों से परेशानियों यहां पर सुनी जाएंगी, वर्चुअल ये कार्यक्रम होगा, वर्चुअल माध्यम से छात्रों से चर्चा की जाएगी।